Myself, Sayyidul Manan. Today we are to discuss about Standard 8 Science, Chapter Number 11, Force and Pressure. This is a four part of the chapter. हमने three part के अंदर काफी सारी चीज़ हमने force की बात की, हमने force के कुछ types भी देखे, force के बाद हमने force apply करने से उसके shape में change होगा, direction में change होगा, उसकी speed में change होगा, सब कुछ हमने देखा. उसके बाद हमने देखा कि भाई force जो है वो उसके टाइप्स भी देखे, कॉन्टैक्ट फोर्स देखे, उसके अंदर हमने मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा और ग्रेविटेशनल फोर्स देखा. ये सब चीज़ है फोर्स के बारे में. हमारा जो टाइटल है फोर्स एंड प्रेशर. अब जो चीज़ जो आने वाली है प्रेशर की बात आने वाली है. ठीक है, प्रेशर तो हम सुनते ही प्रेशर कुकर हम है ना, इस तरह के हमने कुछ ना कुछ वर्ड्स सुने हुए हैं ना, तो वो हम चीज़ यहाँ पर बात करने वाले हैं. Then you have to learn in class 1 the strong wind during the storm or cyclone can blow away even the rooftop. मतलब जब हमारे साइक्लोन जब हमारा आता है तो क्या होता है कि हमारा रूफ है कोई हल्की हल्की जो चीज़ हो वो वहाँ से उड़ जाती है, वहाँ से गुम हो जाती है, वहाँ से खींच जाती है. You also learn that the wind and cyclone are causes by the difference in air pressure. In there any relation between the pressure and force. मतलब ये साइक्लोन किस तरह से प्रोड्यूस होता है कि भाई उसकी एयर के अंदर डिफरेंस आता है क्या, तो एयर के अंदर के डिफरेंस आएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो प्रेशर की वजह से है ना, जो हमारे रूप होते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगने से ही वो क्या आएंगे वहाँ से वो खींच जाएंगे. तो मतलब प्रेशर और फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ जॉइंट है, वो हमें देखना है. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू द वुडन प्लैंक बाय इट हेड. डिड यू सक्सेस? ट्राई नाउ टू पुश नेल बाय द पॉइंटेड एंड कुड यू डू इट दिस टाइम्स. मतलब हमारी जैसे पॉइंटेड कोई नेल है ना, ऐसा होती है ना जो हम खिली जो बोलते हैं हमारी जो ना, उसको पॉइंटेड कुछ पॉइंट होता है. अब यहाँ से आप क्या करो, आप उसको यहाँ से उसको कोई वुडन पर लगाने की कोशिश करो. अब यहाँ से उसको आप पर फोर्स दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वुडन के अंदर चले जाएगी. बट अब उसको उल्टा कर दो, ये पॉइंटेड एंड कहाँ पर है, अपर साइड है, और ये जो उसका हेड वाला पार्ट है वो डाउन साइड. अब यहाँ से उसको अब उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ये वुडन के अंदर नहीं जाएगा. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो मतलब ये क्या है. तो ट्राई कटिंग द वेजिटेबल विद द ब्लंट नाइफ एंड देन विद द शार्प नाइफ. मतलब हमारी जो नाइफ जो है ना, जो हम नाइफ है उसकी जो एज जो है, टू टाइप की एज होती है. जैसे ये नाइफ है, ये मैंने ड्रॉ की हुई सिर्फ नाइफ, यहाँ पर हमारी जो एज होती है ना वो शार्प होती है, और एक साइड क्या होती है हमारी ब्लंट मतलब रफ होती है. अब शार्प जो नाइफ की जो एज है वहाँ से आप कोई भी फ्रूट है जिसको कटिंग करना चाहोगे तो ईजिली कटिंग करोगे, बट आप उसको उल्टी करके करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, समटाइम्स होगा भी नहीं. तो बेसिकली दोनों क्या है रिलेशन में कुछ है. तो डू यू गेट द फीलिंग द एरिया ओवर द विच द फोर्स इज अप्लाई. फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑन द नेल प्ले द रोल टू मेकिंग दिस टास्क इजियर. द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर. मतलब अब जब हमने देखा नेल के अंदर, जब हम अपने इसका टू टाइप की नेल के अंदर टू टाइप के सर्फेस होते, एक साइड हमारा पॉइंटेड एरिया होगा और एक साइड हमारा ज़्यादा. अब यहाँ से जब हमारा ऊपर फोर्स जब उस पर लगा रहे तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये अंदर वुडन के अंदर चला जाएगा. बट अब उसका उल्टा कर दो, उसका सर्फेस एरिया अब कम कर दो और नीचे वाले का क्या करोगे ज़्यादा कर दोगे, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा. तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा. तो प्रेशर की फॉर्मूला और डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. मतलब यूनिट एरिया जिस फोर्स हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू हमारा उसका किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया जो कम होगा, मतलब उसका एरिया जो क्या होगा पॉइंटेड होगा, मतलब कम होगा, तो क्या करेगा वहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, वहाँ पर क्या करेगा प्रेशर क्रिएट करेगा. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच इट एंग. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का एरिया जो हमारा डाउन होगा, जैसे हमने देखा ना, जैसे हमने नाइफ के अंदर देखा था, नाइफ के अंदर हमारा क्या था, उसका जो फोर्स हम लगा रहे थे, हम अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे, बट उसकी नाइफ का जो शार्पनेस होगी तो क्या होगा, एरिया जो कम होगा, ठीक है ना. एरिया हमारा कहाँ पर है, नीचे डाउन साइड एरिया, अब क्या है फोर्स. अब सोचो
तो फोर्स हमारा ज़्यादा होगा और एरिया हमारा कम होगा, तो प्रेशर हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा। बट अब सोचो एरिया ज़्यादा है और फोर्स कम है, फोर्स क्या है, कम है। अब डाउन साइड वाली मैथमेटिकली आप देखो इजीली, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे कि भाई 5/2, 5/2 मतलब एरिया हमारे क्या है स्मॉल है और फोर्स क्या है ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें बड़ी मिलेगी उसका दोनों का 2.5। बट उल्टा कर डालो, चलो 2/5 मतलब एरिया ज़्यादा है और फोर्स कम है, तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा नहीं। मतलब आपके इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको वेरी लो होगा प्रेशर तो होगा बट वेरी लो होगा। तो हमारा एरिया किसी का कम है और फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारे क्या वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। इसीलिए हमारा जो नाइफ है वो चीज़ हम किसी भी चीज़ को कटिंग कर सकते, उसकी जो रफ शार्प होती थी इजीली आप कोई भी चीज़ को कटिंग कर सकते, जितना शार्प होगा इतना फास्ट उसको कटिंग कर सकते है ना। इसीलिए जब मम्मी जो नाइफ यूज़ करे तो अपनी तरफ वो प्रोटेक्शन से रख ली, क्योंकि उसको गलती से भी टच हो गया है ना, हमारी ब्लेड होती है गलती से भी टच हो गया तो वो आपको फास्टली हमें डैमेज करेगी। सिमिलरली आपने देखा होगा भाई जो हमारे शॉपकीपर जो होते हैं या कोई जो हमारे ऐसे लोडिंग वाले जो हम पॉर्टर जो होते हैं जो हमारी लगेज को लेकर जाते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर या हम एयरपोर्ट पर या बस स्टेशन पर हम देते हैं, तो उस टाइम पर आप देखना तो उनकी जो हेड होगा ना, हेड पर वो क्या करेंगे ऐसे ऐसे एक टोवाल जैसा होगा वो ऐसे घुमा देंगे, मतलब ऐसे उनके सिर पर। तो क्या कर रहे हैं वो, अपने हेड पर जो पुट जो करना है ना, जो हमें लगेज रखना है उसके लिए एरिया क्या करेंगे वो बढ़ा देंगे है ना, उसके माउथ उसके हेड पर क्या करेंगे उसका एरिया बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे एरिया बड़ा होगा, एरिया डाउन साइड वाला जो चीज़ बड़ा होगा तो फोर्स क्या होगा वो हमें कम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा कम, तो प्रेस फोर्स तो लगेगा बट उससे क्या होगा प्रेशर हमारा कम होगा, मतलब इजीली वो लिफ्टिंग करेंगे। हमें कभी ऐसा होता है ना कि भाई ये कभी ऐसा होता है कि भाई ये इतना सब लगेज कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो ऐसे ये क्या करेंगे अपने हेड पर ये। तो आपने देखा होगा कहीं पर आप विलेज से बिलोंग करते तो आप जो हमारे जो है ना जो लेडीज़ जो होती है पानी भरकर जो बॉटल्स या जो हमारा जो मटका जो बोलते हैं ना वो लेकर आते, तो क्या करते अपने हेड पर वो इस तरह का ऐसा टुवाल वो बांध देती थी, उससे क्या होगा इनको इजीली प्रेशर कम लगेगा, मतलब इतना जो है फोर्स तो लगेगा उसका फोर्स तो लगेगा बट वो अब क्या होगा प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, तो इजीली वो कर सकते हैं। नॉट डेट द एरिया इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑफ सरफेस एंड सेम फोर्स, द एरिया ऑफ ऑफ एंड पॉइंटेड एंड नेल द स्मॉलर देन द ऑन द हेड सच फोर्स, दिस प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशेंट टू पुश पॉइंटेड एंड द नेल इन द वुडन प्लैंक। मतलब जैसा हमारा हमने देखा डिनोमीटर के अंदर हमारा एरिया है, तो एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारा क्या होगा हमारा दोनों सेम टू सेम लगेगा, बट हमारा एरिया कम होगा और फोर्स हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा हमारा प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा रिलीज होगा, मतलब जितना एरिया कम होगा उतना हमारा प्रेशर हमारा ज़्यादा रिलीज होगा। इसीलिए हमारा पॉइंटेड एंड वाली जो नेल जो है उसके हेड पर जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो वहाँ पर क्या होगा प्रेशर क्रिएट होगा, इसलिए प्रेशर की वजह से वो अंदर साइड वो चली जाएगी। यू कैन एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग एंड प्रोवाइड विथ ब्रॉड स्टेप एंड नॉट थीन स्टेप, मतलब जो हमारी जो बैग जो होती है ना बैग को पकड़ने का जो हमारा स्टेप, मतलब जो ऐसे डोरी जैसे होती है तो बीच में देखना ऐसे है ना क्या होगा ऐसे बीच में दिया होगा आपको, उसका एरिया क्या करेंगे लार्ज कर देंगे, एरिया लार्ज करेंगे तब इजीली उसको है ना हम आपको प्रेशर जो लगेगा ना वो क्या होगा कम हो जाएगा, फोर्स हमारा कम हो जाएगा ठीक है। बट ये आप ऐसे यहाँ पर ऐसा ये निकल गया हुआ है और यहाँ पर सब है ना कोई भी चीज़ जो डोरी जो होती है ना उससे आप करोगे तो क्या होगा उसको आपको ज़्यादा वहाँ पर आपको ऐसे ज़्यादा आपको फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है ऐसा आपको फील होगा ठीक है। इसीलिए हमारे जो पेंसिल जो है ठीक है उसकी जो एज ज़्यादा है उसकी जो शार्पनेस होगी तो आप इसको गलती से किसी को आप पॉइंटेड करोगे तो क्या होगा इसको अच्छे से वो चुभ जाएगी ठीक है। तो ये सब क्या है प्रेशर, तो प्रेशर एंड फोर्स बोथ आर रिलेटिव अकॉर्डिंग टू दिस। ये तो हमने बात की वो प्रेशर एग्जर्ट बाय द लिक्विड एंड गैस, प्रेशर है लिक्विड और गैस से भी क्रिएट होता है तो यस। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या दो, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर आपको इस तरह से एक पाइप लेना है, आपको ग्लास वाली ऐसे ट्यूब लेना है, ट्यूब लेने के बाद आपको डाउन साइड एक आपको बलून है या रबर बैंड और बलून वाली कोई चीज़ आपको लगा बलून लगा देना आपको यहाँ पर ठीक है उस अच्छे से टाइट। अब क्या करो अपने इसको मिडल से इसको ऐसे पकड़ो
और अपने एक फ्रेंड को बोलो कि भाई ऊपर से क्या डालो, कि भाई कुछ वाटर डालो। वाटर डालने के बाद अब उसको ये देखो कि नीचे डाउन साइड जो हमारा बलून जो लगाया हुआ है वो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। मतलब देखो कि तो इस तरह जितना ज़्यादा पानी डालोगे तो उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। और आफ्टर सम टाइम्स वो ब्लास्ट होने का भी चांसेस है, मतलब वहाँ से ब्रेक होने के भी चांसेस है। मतलब उससे पता क्या चला कि ये जो है वाटर है ये बलून पे क्या लगा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, इसी वजह से उस क्या कर रहा है कि ये बॉटम में जो है हमारा बलून जो है वो क्या कर रहा है कि वो हमारा वो फूलना स्टार्ट होगा, मतलब प्रेशर लगा रहा है तो वो अपना शेप चेंज करेगा। तो लिक्विड जो है वो भी क्या प्रेशर लगा दे। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको एक और एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक प्लास्टिक बॉटल ले लो। प्लास्टिक बॉटल के एक डाउन साइड से थोड़ा अपर साइड आप एक क्या करो कि यहाँ पर एक है ना ग्लास वाली ऐसी ट्यूब लगा दो। ग्लास वाली ट्यूब को लगाने के लिए आप उसको हीट थोड़ा करो। हीट करने के बाद आप जैसे उसको क्या करोगे, ऐसे बॉटल के पास लगाओ तो यहाँ पर क्या होल होकर वो यहाँ पर वो जुड़ जाएगी। और कुछ लीकेज है तो आप वैक्स भी लगा सकते हो, मतलब मोमबत्ती आती ना उसका वैक्स, उस भी आप लगा सकते हो। अब जैसे ही आप उसको पानी भरोगे, बॉटल के अंदर पानी भरोगे, पानी भरोगे तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन साइड वो ये जो हमने बलून लगाया ना उसका शेप चेंज होगा, मतलब वो फूलता जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर लगा रहा है मतलब लिक्विड जो है वो अपनी क्या कहेंगे सरफेस पर भी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर की वजह से अपने क्या कर रहा है, वो शेप चेंज कर रहा है। सिमिलरली नॉट दैट रबर शीट हैज़ बीन फिक्स ऑन द इन साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, मतलब बॉटम पे नहीं रखना है, मतलब हमें साइड में रखना है। डज द बल्गिंग ऑफ द रबर सीट इन दिस केस इंडिकेट द वाटर एग्जिट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एज वेल, लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। मतलब हमने देखा कि ये क्या है, हमने अपर वाली जो चीज़ में देखा था ना एक्टिविटी, वो डाउन साइड प्रेशर लगा रहा है। उसके बाद ये एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि ये बलून है उसको हमें साइड में लगाना है। साइड में लगाने से भी क्या हुआ कि भाई ये जो पानी है वो भी क्या रहा है, उसके साइड पे भी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ना। एक और एक चीज़ और देख ले कि जैसे कि भाई हमारा जो है इसको अच्छे से यहाँ पर पता आपको चलेगा, भाई एक बॉटल है प्लास्टिक वाली बॉटल, आप इजीली ये सब चीज़ अपने होम पे भी कर सकते हो। एक नीचे प्लेट रख दो, प्लेट के अंदर हमें पानी की पूरी भरी हुई हमारी 2.5 लीटर की जो है ना पेप्सी वाली जो बॉटल वो ले लो, उसके आजू बाजू क्या करो ऐसे होल्स कर दो, क्या करो ऐसे होल्स कर दो, ऐसे 3-4 होल्स कर दो और फुल्ली अब पानी की बॉटल भर दो। फुल्ली पानी की बॉटल भरोगे तो क्या होगा, ये जो है पानी जो बाहर आ रहा ना ऐसे ऐसे आएगा, थोड़ा दूर तक जाएगा। फिर जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाएगा तो ये जो है बाहर आने का जो पानी के जो जो ऐसा काउ जो हो रहा था ना वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा है कि वहाँ पर वो आपको ऐसे उसको टच टच आ रहा है, मतलब जितना वाटर ज़्यादा होगा उतना वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा ना। सम टाइम्स जो हमारी जो कोई भी चीज़ जो है लिक्विड है, लिक्विड आप बलून जो है ना ऐसे जो बच्चे दिवाली के टाइम पर जो बलून जो फुलाते ना उसके अंदर पानी भरते, जो हद से ज़्यादा जो पानी भर गया तो बलून ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या लगा रहा है, सरफेस पर वो प्रेशर लगा रहा है। तो उससे पता क्या चला, कैन यू नाउ से द लिक्विड एग्जिट प्रेशर ऑन द वॉल ऑन ऑफ द कंटेनर, मतलब लिक्विड जो है वो अपनी वॉल पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ये हम बोल सकते हैं। व्हेन यू इन्फिनिट बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट माउथ, व्हाट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेमेड बलून, सपोज यू हैव द बलून विच हैज़ होल्स, वुड यू एबल टू इन्फ्लेट इट, मतलब कोई बलून है आप उसको फुलाने की कोशिश करो और उसका माउथ हम क्या करते हैं उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब उसको ओपन रखोगे तो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगी, एयर बाहर आ जाएगी। बट आप ऐसे सोचोगे भाई बलून के अंदर क्या है, एक स्मॉल होल है, स्मॉल होल होगा तो उससे क्या होगा, वो एयर वहाँ से वो बाहर आ जाएगी। तो उससे पता क्या चल रहा है कि भाई एयर जो है, डू यू रिकॉल द हैपन द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन हैज़ द पंचर, मतलब जो पंचर हमारा बाइसिकल की ट्यूब के अंदर होगा तो क्या होगा, पंचर होगा तो वो एयर वहाँ से वो बाहर आ जाएगी। मतलब वो क्या कर रहा है, वो भी सरफेस पर जो एयर जो है गैस जो है वो भी क्या लगा रहा है कि भाई बलून है ट्यूब है वो सभी पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। गैसेस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, मतलब वो क्या रहा है अपने कंटेनर है उसकी वॉल पर भी क्या लग रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है। उस समय पता चले गया तभी वो बाहर आ रहा है, वो प्रेशर ना लगा रहा होता तो वो बाहर ही नहीं आता है ना। ज़्यादा हम वो एयर उसके अंदर भर देंगे कोई ट्यूब के अंदर तो वो ब्लास्ट होने के चांसेस है। अब जो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है एटमोस्फियरिक प्रेशर है ना। एटमोस्फियर हम किसको बोलते हैं कि जो हमारे एयर जो है, द यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस
एनवेलप ऑफ एयर इज नॉन एज द एटमोसफियर, जो हमारे एटमोसफियर को जो है हमारे अर्थ को पूरे जो किसी ने घेरा हुआ है एयर को, एयर ने घेरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोसफियर बोलेंगे। द एटमोसफियर एज एग्जिट अप टू मैनी किलोमीटर अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, प्रेशर एग्जिट बाय दिस एयर इज नॉन एज एटमोसफेरिक प्रेशर। मतलब हमारे काफ़ी सारे किलोमीटर्स के ऊपर एयर्स अवेलेबल है, तो वो क्या करे, सभी एयर है वो क्या करती है अर्थ पर वो प्रेशर लगाती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एटमोसफेरिक प्रेशर बोलेंगे। वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ़ वी इमेजिन द यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टैंडिंग ऑन इट फिलिंग विथ एयर, देन द फोर्स ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इज दिस सिलेंडर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर आप किस तरह से करोगे, आप कोई यूनिट एरिया के अंदर, आप ऐसे कोई सिलेंडर के अंदर आप एयर भर लो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगा रहा है उस पर, वो फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये यूनिट एरिया के अंदर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर। आप उसको काउंट करोगे तो क्या होगा, हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो, बट हाउ लार्ज एंड स्मॉल द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर लार्ज है या स्मॉल है। आपने कभी देखा होगा जैसे कि हमारे होम के अंदर है ना, ऐसे कुछ स्मॉल रबर कप जो हमारे पास हो, रबर कप, अब उसको है ना अच्छे से प्रेशर से उसको क्या करो, उसको वॉल की तरफ ऐसे पुश कर दो या कि कहीं पर भी, तब देख उसको वापस आप खींचने की कोशिश करोगे ना, अब वापस उसको आप ऐसे इसने आपने पुश कर कर आपने इसको वॉल पे लगा दिया, अब वापस उसको आप खींचने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस क्यों, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो हमारा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ना उस पर क्या लग रहा है, लग रहा है ये जो रबड़ बैंड है ना उसको हमने वॉल पे लगा दिया, चिपका दिया, चिपकाने से क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर उस पर लगा हुआ है, मतलब उस पर लगता है, इसीलिए हमें क्या लग रहा है, जब उसको रिटर्न करना होता है ना, मतलब इसको बाहर नॉर्मली पोजिशन पर लाना होता है तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या, कहाँ से फोर्स उस पर अप्लाई हुआ, ये ऐसा कैसे चिपक कैसे गया, देख लूँ, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते विजन किसी भी, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हम सोच सकते हैं कि हमें, हाँ ऐसा हम रियलाइज़ कर सकते हैं। वेन यू प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस एस्केप आउट द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेरिक एट ऑन इट, पुल द सकर ऑफ द सरफेस, द अप्लाई फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब अब उसको हम ये सकर है उसको हम ऐसे ऐसे चिपका देंगे तो काफ़ी सारा, अब उसको वापस हमें नॉर्मल लाना है तो काफ़ी सारा फोर्स लगाना होगा। ये चिपक क्यों रहा है कि मतलब बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर से हमारा जो फोर्स हम जो खींच रहे वो ज़्यादा होगा तभी हो क्या, अगर नॉर्मल में आएगा तो। एक्टिविटी माइट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, द फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एनी ह्यूमन बींग पुश द सकर ऑफ द सरफेस इफ दिस वेर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड सरफेस। डज इट गिव यू कैन यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इट, मतलब ये दोनों के बीच में जो हमारी एयर ही ना हो तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना प्रेशर है, है ना। आपको ये एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको एग्जिस्ट करना है तो क्या करना होगा, ये जो हमने ये सकर को जो हमने चिपकाया था, अब जितना फोर्स दे रहे हो आप उसको मेज़र करते जाओ, जब तक वो सकर नॉर्मल नहीं होगा, मतलब वहाँ से चिपका हुआ वो वहाँ से निकल नहीं जाएगा, तब तक उस पर फोर्स लगाते जाओ अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब वो मतलब वहाँ से वो निकल रहा है तो आप देख सकते हो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, जितने फोर्स, क्योंकि उससे फोर्स ज़्यादा होगा तभी वो वहाँ से वो चिपका हुआ होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फेरिक एंड एरिया 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, इतने कितना प्रेशर लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg इज इक्वल टू 2250 न्यूटन। द रीज़न वी आर नॉट क्रैशेस अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज द प्रेशर इनसाइड आवर द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ये क्या बता रहे कि भैया 15 सेंटीमीटर क्रॉस टू 15 सेंटीमीटर्स का आप एरिया ले लो, उस पर जो फोर्स लग रहा है और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल होगा, क्या होगा,
ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब सोच 255 kg का कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका मास इतना है, उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 2250 newton, इतना सा फोर्स वो क्या लगाएगा, वो लगाएगा, ठीक है। पर दोनों क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है यहाँ पर भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है यहाँ पर है, दो आप देख सकते कितना प्रेशर हम लगा रहे हैं, हमारा भी होगा। बट समटाइम्स हमारी जो बॉडी है, बॉडी जो है वो क्या है, बैक साइड हमारा फोर्स लगा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउन साइड है, तो दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या है ईजिली खड़े रह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, हम डाउन साइड चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रेशर्स का आपको आइडिया लेना है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप प्रेशर ऑफ एटमोसफियर ऑन योर हेड, अपने हेड पर क्या है ऐसे ऐसे आप पाइप जैसे रख दो और आप एयर का प्रेशर है उसमें देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि आपको ऐसा कोई फोर्स लग रहा है ना अपने हेड पर, ऐसा आपको लग गया, मतलब उसका प्रेशर आप ऐसे जेस कर सकते हो, ठीक है। ये फोर्स जो है एटमोसफियर प्रेशर, आपको ऐसे हम रियलाइज करेंगे, आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। देखना है तो आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना होगा। आई होप आप लोग कंडीशन आ गए, इफ एनी डाउट इफ एनी करी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।